हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रहमत नाज और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी छोटी सी ज़िंदगी में। तो देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ की बाहर का नज़ारा। जैसे कि ये गली है घर के बाहर की और कुछ ऐसे घर हैं यहाँ पर। ये जो सामने का बंगलो है ये मुन्नीबा जी के मामू ससुर का है। इंशाल्लाह इनका बहुत जल्द बन जाएगा। अगर फिर कभी आए तो आपको इनका घर ज़रूर दिखाएंगे। बस दुआ है अल्लाह पाक इनका घर भी जल्द से जल्द बनवा दें, क्योंकि इनके रिलेटिव में सबके माशाल्लाह घर अच्छे हैं और ये जगह जो है ये पूरी मुन्नीबा जी की है। तो इंशाल्लाह इनका भी बहुत जल्द बन जाएगा घर। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी बाजी की ननन का घर। वो जिनसे हमने अभी मिलाया है, वो उनका बेटा था राहिल, उनका एक ही बेटा है। और उनके हस्बैंड जो है वो बाहर हैं, आदिल भाईजान, वो उनके नंदोई हैं और मुन्नीबा जी के हस्बैंड हैं। इनकी ज्वेलरी की शॉप है और ये इनका एक ही चिराग है। चिराग बाहर चला गया है, चिराग उनका एक ही है बस। एक बेटा है उन्हें। अरे हमारे सो फ्रेंड्स, ये है हमारे बाजी की ननन का घर। उनका घर कुछ ऐसा है। हाय, कुछ ऐसा घर आपको घर दिखा देते हैं। किचन है और ये रूम है पीछे उनका। ये शिफा है जो कि सब क्यों ले रहा है। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम जा रहे हैं मुन्नीबा जी की बड़ी ननन के घर, जो कि यहीं पास में ही है। उनका नाम मिमी आंटी है और हम उनके घर जा रहे हैं। तो कौन देखती ना, टीवी डालिंग चलो। तुमको देख लिया हमने उसमें। अस्सलाम वालेकुम। सो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं मुन्नीबा जी के बड़े नंदोई जो सामने बैठे हैं। हम लोग ये साइड बैठे हैं। मैं कैमरा नहीं पकड़ पा रही हूँ क्योंकि हानिया मेरी गोद में ही है। बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है मुझे कैमरा पकड़ने में। और ये जो है हमारी प्यारी सी मम्मी आंटी हैं और ये उनकी छोटी सी प्रिंसेस है, उनके बेटे की बेटी है। और देखिए, ये लेकर आ गए वो चाय नाश्ता और उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स। मतलब हम लोग खाली बैठ ही नहीं पा रहे थे कि पीछे कुछ ना कुछ वो लोग लेके आ रहे थे। और उसके बाद में समोसे, वड़े और जी आइसक्रीम भी लेकर आ गए। खाया नहीं जा रहा था, हम लोगों से इतना कुछ खिला दिया उन्होंने। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जब बेटे की शादी होती है तो माँ बाप सच में कितना कुछ करते हैं औलाद के लिए। और देखिए अंकल कितनी मोहब्बत से देख रहे हैं उनके बेटे की शादी का वीडियो है जो कि उन्होंने लगाया है और हम सभी देख रहे हैं। सो स्वीट। और हानिया को देखिए, बाजू से आइसक्रीम खिला रही है। देखिए कैसा है।
तो आ गए हैं ट्यूशन के बच्चे, क्योंकि अरफा ट्यूशन पढ़ाती हैं, जो जबीन आंटी की बेटी हैं, इन्हें सब मिमी भी कहते हैं और जबीन आंटी यही भी कहते हैं। सो हम आ गए हैं जबीन आंटी के यहाँ से, और हम जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि बाजी की जो दूसरे नंबर की ननंद है उनकी बेटी है एडमिट हॉस्पिटल में, तो उन्हें देखने जाना है हमें, तो चलते हैं। हैं हॉस्पिटल, और जिससे कि यहाँ रूल्स निकल चुके हैं कि मास्क लगाना होगा, तो हमने मास्क लगा लिया। देखिए फ्रेंड्स, वक्त से पहले ही पब्लिक ने मास्क लगवा दिया, अभी तो कोरोना आया भी नहीं, अल्लाह करे ना आए तो ही बेहतर है। यहाँ के हॉस्पिटल बहुत महंगे हैं फ्रेंड्स, देखिए 3 दिन का बिल उन लोगों का 50,000 का हुआ है, अभी तो डिलीवरी भी नहीं हुई। और हम आ गए हैं घर, और हानिया देखिए खेल रही है, और हमें अब जाना है जबीन आंटी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ रात का खाना है। सो आ गए हैं हम जबीन आंटी के यहाँ, और अंकल देखिए हाथ धुलवा रहे हैं हम लोगों के, काफ़ी कुछ बनाया है इन लोगों ने माशाल्लाह, बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।